नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेचिंग एंड टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बचे हुए कपड़ों से सुंदर टॉप कटिंग और स्ट्रेचिंग करके दिखाएंगे, सरल और आसान तरीके से। चले कटिंग और स्ट्रेचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं डबल फोल्ड में फैब्रिक है, इसको इस तरीके से एक फोल्ड हम और कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम चेस्ट देख लेते हैं। तो चेस्ट है इसका 21 इंच, तो 21 का हम चौथाई हिस्सा करेंगे तो 5 इंच हो जाएगा। उसके बाद 1/4 इंच इसमें ऐड करेंगे तो 6 इंच हो जाएगा। तो 6 इंच पर हम इसको मार्किंग कर लेंगे, लूजिंग ज़्यादा इसमें हम नहीं देंगे, इसलिए ये होजरी का फैब्रिक है। अब यहाँ पे आर्म होल हम कैसे करेंगे, तो 21 में से हम 2 इंच निकाल देंगे, चेस्ट में से 2 इंच निकाल के चौथाई हिस्सा करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों चौथाई हिस्सा करने के बाद हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो शोल्डर जैसे मान लीजिए इसका है 9 इंच, तो 4.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे, 3 सूत एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब उसके बाद इस तरीके से सीधा कर लेंगे, यहाँ पे राउंड शेप हम दे देंगे ऐसे। चलें अब हम गले की चौड़ाई की मार्किंग कर लेते हैं, यानी नेक विड्थ। तो नेक विड्थ हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे ऐसे। उसके बाद गले की हम गहराई लेंगे 1.5 इंच। ये बैक गला हो गया, फ्रंट गला जो है हम बाद में कटिंग करेंगे। अभी यहाँ हम इस तरीके से अच्छे से राउंड बना लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम जितना चेस्ट है उतना हम हेम यानी कि घेरी इसका ले लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से सीधा एक मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कमर जो है, कमर में हमें माइनस करना होता है, तो लगभग हम 10 इंच पे माइनस कर लेते हैं कमर को ऐसे। इस तरीके से हम शेप दे देंगे। उसके बाद हम नीचे 2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे ऐसे, और इस तरीके से हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे ऐसे। उसके बाद दोस्तों हम शोल्डर स्लोप ले लेते हैं। तो शोल्डर स्लोप कम से कम हम 1/2 इंच ले लेंगे, 1/2 इंच से 1/4 इंच तक। अब यहाँ पे दोस्तों हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों हम फ्रंट गला कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से एक पल्ले को हम इस तरीके से हटा लेंगे अलग। अब यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं फ्रंट गले के लिए। तो फ्रंट गले की गहराई जो है 3 इंच हम ले लेते हैं, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से राउंड कर लेते हैं। यहाँ पे गले की गहराई जो है राउंड शेप होना चाहिए बिल्कुल इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो फ्रंट का आर्म होल होता है वहाँ पे हमें थोड़ा सा शेप देना होता है, तो वहाँ भी हम इस तरीके से शेप कर लेंगे। ये शेप हम सिर्फ फ्रंट में देते हैं एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से दोस्तों बैक और फ्रंट का कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पे बैक में हम एक की होल बनाएंगे। की होल हम इसलिए बनाते हैं कि जैसे गला इसका छोटा होता है तो पहनने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए हम इसमें की होल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे एक की होल कटिंग कर लिए। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे जो हम एक फ्रिल लगाएंगे, तो फ्रिल लगाएंगे बिना गेदर का। तो इस तरीके से हम नाप लेंगे राउंड में कितना हो रहा है, उसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये फैब्रिक हो गया। अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे, 2 फोल्ड हो गया, और एक बार इसको और फोल्ड करेंगे, अच्छे से बैठा लेते हैं उसके बाद। तो इस तरीके से हम 4 फोल्ड कर लिए। अब इसमें हमें फ्रिल का कटिंग करना है, तो इसमें हम राउंड फ्रिल बनाएंगे जिसमें गेदर नहीं होगा और फ्रिल उसमें दिखेगा। तो इस तरीके से हम राउंड में नाप लेंगे ऐसे, फिर हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों एक मार्किंग इसमें और करेंगे बीच में ऐसे। अब इसको हम गोल कर लेंगे ऐसे। उसके बाद आपको जितना चौड़ा फ्रिल बनाना है उसके हिसाब से ऐसे नाप लीजिए, और उसी मार्किंग से आप गोलाई में नाप लीजिए ऐसे और मार्किंग कर लीजिए।
तो ये मार्किंग हो गया। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप फ्रिल की कटिंग करते हैं तो आपको गेदर डालने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसमें बहुत अच्छी ही फ्रिल दिखने लगेगी। तो आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं बैठाकर, इस तरीके से फॉल आएगा उसका फ्रिल का। चलें अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम हाफ आस्तीन लगाएंगे। तो यहाँ आर्म होल से नीचे हम ऐसे कम से कम 1.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे, यहीं से हम आस्तीन को ज्वाइंट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसको नाप लेंगे ऐसे। उसके बाद दोस्तों हमें उसमें गेदर के लिए फैब्रिक ऐड करना है, तो इस तरीके से हम फैब्रिक को पहले बैठा लेते हैं, उसके बाद हम गेदर के लिए ऐड करेंगे। इस तरीके से चार फोल्ड हम कर दिए दो आस्तीन के लिए। उसके बाद दोस्तों हम इस तरीके से नाप लेंगे जो आस्तीन था उसको, और फिर हम गेदर के लिए ऐड कर लेंगे इस तरीके से ऐसे। अब उसके बाद यहां पे हम इस तरीके से शेप दे देंगे। आपको लेंथ जितना रखना है, लंबाई जितना रखना है, उस हिसाब से रख सकते हैं। और इस तरीके से हम राउंड कर लेंगे। यहां पे दोस्तों हम एक मार्किंग कर लेते हैं जहां से हम गेदर शुरू करेंगे ऐसे। यहां हम नाप कर भी देख लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों कटिंग हो चुका है। हम गेदर का एक चटका लगा देते हैं वहां पे। तो यहां पे इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे, अटैच करेंगे आस्तीन को। चलें अब हम टॉप की सिलाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहां पे आपको गेदर करने का तरीका दिखाते हैं। तो ये है हाथ वाली सुई, बारीक वाली। इस तरीके से हम बूट में फंसा देंगे ऐसे। यहाँ पे हम प्रेशर, बूट प्रेशर जो है कम कर लेंगे। अगर हम बूट प्रेशर कम नहीं करते हैं तो यहाँ पे फैब्रिक कटने का डर होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम गेदर कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा घना गेदर करना है तो आप टाका को थोड़ा बढ़ा दीजिए और धागा जो है बाबिन का उसको थोड़ा टाइट कर दीजिए। जितना घना चाहेंगे उतना घना आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से गेदर हो जाएगा। अब यहाँ प्रेशर हम फिर सही कर लेंगे अपना। अब यहाँ पे दोस्तों हम आपको स्टिचिंग करके दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम इसकी शोल्डर की ज्वाइन कर लेते हैं। शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद हम गला फिनिश करेंगे, की होल फिनिश करेंगे। की होल में हम वहाँ पे एक लूपी लगाएंगे जिसमें हम बटन फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों शोल्डर की ज्वाइंट हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम की होल बना लेते हैं, उसके बाद हम गला फिनिश करेंगे। पाइपिंग की कटिंग 1 इंच 5 सूथ होना चाहिए। अगर ज़्यादा चौड़ा बनाते हैं तो फिनिशिंग उसमें अच्छी नहीं आती है। अब यहाँ पे दोस्तों हम पाइपिंग जो फिनिश करेंगे, कच्चा करेंगे, तो हम उल्टे की तरफ से करेंगे। फैब्रिक हम बॉडी का फैब्रिक जो है उसको उल्टे रखेंगे और पाइपिंग का फैब्रिक जो है उसको भी हम उल्टा रखेंगे। इस तरीके से हम कच्चा कर लेंगे। पाइपिंग को हम थोड़ा सा खींच कर चलेंगे। अगर हम पाइपिंग को खींच कर नहीं चलते हैं तो वहाँ पे फुलनेस आने लगती है, इसलिए कि ये लेकरा फैब्रिक होता है होजरी वाला और फैल जाता है बहुत ही जल्दी। तो इसलिए हम पाइपिंग को थोड़ा सा टाइट करके कच्चा करते हैं। अब यहाँ पे हम इस तरीके से पक्का कर लेंगे ऐसे। इस तरीके से दोस्तों आप पाइपिंग का फिनिशिंग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक टाकी लगाएंगे, तो इस तरीके से ऊपर हम बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम तिरछा यानी कि क्रॉस में हम एक टाकी लगा लेंगे उस पर नीचे। अब यहां पे दोस्तों टाकी लग चुका है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि क्यू होल का लूप किस तरीके से आ रही है। तो लूप इस तरीके से आना चाहिए। अब हम इसकी गला बना लेते हैं। तो गला बनाने से पहले दोस्तों यहां पर हम एक बनाएंगे लूप, जो हम बटन लूप बोलते हैं उसको। तो बटन लूप जब भी हम बनाएंगे तो आड़े में बनाएंगे फैब्रिक को और खींच कर बनाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से धागा हम खींच लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे मार्जिन जो है मार्जिन कटिंग करके निकाल देंगे। ज़्यादा मार्जिन हम इसमें नहीं रखेंगे। अगर हम ज़्यादा मार्जिन रखते हैं तो जो लूप हम बना रहे हैं वो बहुत ही मोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम
बड़े वाले निडिल में धागे को डाल लेंगे ऐसे, उसके बाद हम गांठ बांध लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों लूप पलटने के लिए। इस तरीके से आप डोरी भी पलट सकते हैं ब्लाउज का। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसको आराम से खींच लेंगे ऐसे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी लूप जो है बिल्कुल बारीक हो चुका है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से एक टांकी लगा लेंगे इस पे। यहाँ पे दोस्तों टांकी आप अपने बटन के हिसाब से लगा सकते हैं, जिस हिसाब से बटन है आपका। तो इस तरीके से लूप बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसकी पाइपिंग को कच्चा कर लेते हैं, फिर हम पक्का करके दिखाएंगे आपको। तो यहां भी दोस्तों हम उल्टे की तरफ से फैब्रिक को हम उल्टे की तरफ से रखेंगे और पाइपिंग का जो फैब्रिक है उसको भी हम उल्टे की तरफ से रखेंगे। इस तरीके से हम पाइपिंग को थोड़ा सा खींचते हुए कच्चा करेंगे। अब यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पाइपिंग कच्चा हो चुका है। अब इसको हम पक्का करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे लूप जो हम लगाएंगे वो राइट साइड में लगाते हैं। तो जहां से हम शुरू करेंगे वहां से लूप नहीं लगाएंगे, जहां हम लास्ट करेंगे वहां पे लूप लगाएंगे। यहां पे इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। यहां पे दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं कि बहुत से सिंगर मशीन है, जैसे अम्ब्रेला मशीन हो या छोटी मशीन हो, तो उसमें क्या होता है कि होजरी फैब्रिक सही से नहीं चल पाता है, उसमें टाप आने लगती है। तो अगर आपकी सिलाई मशीन में ये दिक्कतें आ रही है तो हमारे चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है, अपलोड है, जिसमें सब कुछ दिखाया गया है कि होजरी फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक, मोटा फैब्रिक चलाने के लिए हम मशीन को अपना सेट कैसे करेंगे। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लूपी सेट कर दिए हैं, फिट कर दिए इसमें। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं गला का फिनिशिंग भी अच्छी आई है। उसके बाद दोस्तों हम इसकी आस्तीन बना लेते हैं। सबसे पहले हम गेदर कर लेते हैं। तो यहां पे नॉर्मल गेदर कर लेते हैं, हाथ वाली निडिल से, बड़ी वाली निडिल से, ऐसे ऐसे। आप चाहें तो इसकी गेदर वाली बूट लगा सकते हैं, पिन लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं गेदर डालने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम नाप कर देख लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम फ्रिल लगाएंगे यहाँ। तो जो हम फ्रिल बनाए थे उस फ्रिल को यहाँ पे अटैच करेंगे इस तरीके से। नीचे वाले फैब्रिक को हम खींच कर रखेंगे। इससे क्या होगा कि फ्रिल का गेदर जो है ज्यादा हो जाएगा और वहां पे सिलाई टूटने की डर नहीं रहेगी। अगर हम फ्रिल को टाइट करके लगाते हैं तो वहां पे सिलाई चटकने की डर होती है। ये दोस्तों छोटी छोटी बातें जो है ध्यान में होना चाहिए। यहां भी हम उसी तरीके से अटैच कर लेते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से फ्रिल लग चुका है। चलें अब हम नीचे वाले फ्रिल को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से फ्रिल को अटैच करेंगे। नीचे वाले फैब्रिक में से हम दो सूत मार्जिन लेंगे ऐसे। यहां पे हम खींच कर चलेंगे थोड़ा सा नीचे वाले फैब्रिक को। हमारे इस चैनल पे लेडीज, जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट, शर्ट, कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम, कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। तो इस तरीके से दोस्तों हम फ्रिल को अटैच कर लिए। अब यहां पे फ्रिल को थोड़ा सा हम फोल्ड कर देंगे ऐसे। तो इस तरीके से यहाँ पक्का भी हो गया और फिनिशिंग भी अच्छी आ गई और इसका लुक भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसकी आस्तीन को ज्वाइंट करेंगे ऐसे। तो बीच में हम सबसे पहले एक मार्किंग कर लेते हैं, चटका लगा लेते हैं। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे बीच सेंटर का
और शोल्डर ज्वाइंट जो है वहां से हम उसको अटैच करेंगे, मिलाएंगे ऐसे। इस तरीके से हम ज्वाइंट कर लेंगे, जो गेदर का सिलाई है बिल्कुल उसी सिलाई पे हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसे ओवरलॉक कर सकते हैं, ऐसे होजरी पे ओवरलॉक करने का कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसमें से धागा नहीं निकलता है फैब्रिक का। चलें अब हम दूसरे आस्तीन को ज्वाइंट कर लेते हैं। यहां भी हम एक मार्किंग कर लेंगे 20 सेंटर का। यहां भी दोस्तों हम अटैच करते समय हाथ को थोड़ा सा खींच कर चलते हैं ताकि सिलाई बाद में न टूटे। तो इस तरीके से आस्तीन की ज्वाइंट हो चुका है। चले अब इसकी हम साइड ज्वाइंट कर लेते हैं। साइड ज्वाइंट करने के बाद हम आर्म होल में जो हाफ आर्म होल बचा हुआ है नीचे, उसमें हम पैच पाइपिंग से फिनिश करेंगे। इस तरीके से हम दोनों साइड को ज्वाइंट कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम आर्म होल में पैच पाइपिंग से फिनिश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जब भी हम स्टिचिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, तो फैब्रिक को खींच कर चलते हैं। अगर हम फैब्रिक को नहीं खींचेंगे तो बाद में सिलाई चटकने लगती है। तो कभी भी आप लेकरा फैब्रिक पे, होजरी के फैब्रिक पे सिलाई लगाएं तो उसे खींच कर ही लगाएं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सीधा कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं एक सेंटर का। उसके बाद दोस्तों हम इसको अटैच कर लेते हैं, जो नीचे का घेरी बना हुआ है बॉटम हेम। यहां भी हम साइड के लिए दो मार्किंग कर लेते हैं, इस तरीके से चटका लगा लेंगे हम। यहां सेंटर का भी हम चटका लगा लेते हैं। इसमें चार चटका लगाने से हमें ज्वाइंट करने में बहुत ही आसानी होती है और चारों तरफ उसका गेदर और नॉम बराबर होती है। अब इस तरीके से हम साइड से इसको ज्वाइंट करना शुरू करेंगे ऐसे। यहाँ पे हम चटके से चटके को मिला लेंगे ऐसे। और यहाँ भी दोस्तों हम सिलाई को खींच कर लगाएंगे। अगर हम सिलाई को खींच कर नहीं लगाते हैं तो वहाँ पे धागा टूटने का संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों घेरी अटैच हो चुका है। यहाँ पे आप इसका लुक भी देख सकते हैं कि लुक कितनी अच्छी दिख रही है। अब हम इसकी आस्तीन का जो पैच पाइपिंग है उसको हम फिनिश करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम जो आस्तीन का फ्रिल लगा हुआ है उससे कम से कम 2 सेंटीमीटर ऊपर, 2 सेंटीमीटर ऊपर से हम शुरू करेंगे पाइपिंग लगाना, इसलिए कि मार्जिन जो है बाहर न दिखाई दे। यहां भी हम पाइपिंग को खींचकर अटैच करेंगे, कच्चा करेंगे। अब हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे एक बार, 2 सूत का। ज्यादा हम चौड़ा यहां फोल्ड नहीं करेंगे। अगर हम ज्यादा चौड़ा फोल्ड कर देते हैं तो वहां पे फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी और वहां पे बैठने में भी दिक्कत होगा, इसलिए कि वहां पे राउंड होता है। तो राउंड पे कभी भी आप पाइपिंग लगाएं तो उसे पतला ही पाइपिंग लगाएं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन जो है उसको हम काट कर निकाल देंगे। अगर वहाँ पे हम काट कर नहीं निकालते हैं तो वहाँ पे फैब्रिक मोटा हो जाएगा और फिनिशिंग वहाँ अच्छी नहीं आएगी। चलें अब हम दूसरे आस्तीन को भी पाइपिंग कच्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम पक्का करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ भी उसी तरीके से 2 सेंटीमीटर आस्तीन के फ्रिल से ऊपर से हम पाइपिंग शुरू करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम 2 सूत का इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम लव की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम लव की सिलाई से फिनिश कर लेंगे। उसके बाद यहाँ का भी हम मार्जिन कटिंग करके निकाल देंगे, उसके बाद हम आपको पक्का करके दिखाएंगे। तो मार्जिन कटिंग हो चुका है, अब हम पक्का करके आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से सीधा एक टांके लगाएंगे छोटा सा, उसके बाद हम इस तरीके से घुमा लेंगे। यहां भी हम घुमा लेंगे ऐसे। अब यहां दोस्तों आप देख सकते हैं फिनिशिंग अच्छी आ चुकी है। अब हम दूसरे आस्तीन को भी पक्का कर लेते हैं।
यहाँ भी सिलाई दोस्तों हम थोड़ा सा फैब्रिक को खींच कर लगाएंगे। अगर हम फैब्रिक को नहीं खींचेंगे तो सिलाई टूटने का संभावना बढ़ जाती है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आर्म होल फिनिश हो चुका है। यहाँ पे आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं। इस तरीके से स्टिचिंग पूरा हुआ। एक बार इसे आप बनाकर जरूर देखिए। कटिंग और स्टिचिंग पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर भी कर दें प्लीज। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।